सभी सुनने वालों को मेरा नमस्कार। हम लोग इंटेलिजेंस पर बात कर रहे हैं और आज इंटेलिजेंस के क्रम में हमारा लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें हम थ्योरीज डिस्कस करेंगे। सिद्धांत, बुद्धि के सिद्धांत, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपके सब्जेक्टिव एज वेल एज ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन के लिए। इवन आफ्टर आपको एग्जामिनेशन क्वालिफाई करते हैं तो इंटरव्यूज में भी इंटेलिजेंस और इंटेलिजेंस की थ्योरी से बहुत सवाल पूछे जाते हैं। तो बहुत सारी थ्योरीज हैं, पहले हम उसका क्लासिफिकेशन समझेंगे और फिर हम आज सिर्फ दो थ्योरी डिस्कस करेंगे, यूनि फैक्टर एंड टू फैक्टर थ्योरी। ओके, एंड दिस इज माय चैनल एक्सप्लोर एजुकेशन एंड माय वीडियो एंड माय लेक्चर विल बी इन बाइलिंगुअल, दैट इज इंग्लिश एज वेल एज इन हिंदी। कंटेंट इज इन इंग्लिश एंड आई एक्सप्लेन इट इन हिंदी। एंड दिस वीडियो विल बी यूजफुल फॉर यूजीसी नेट, सीटेट, यूपीटेट, टीईटीज, केबीएस, एमबीएस एंड ऑल सॉर्ट ऑफ टीचिंग एग्जाम्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल आई urge you to join our Telegram group explore_education and subscribe my channel too, so that you can get my all videos further. And this is my introduction. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Privy College, and it is a constituent college of University of Allahabad, and it is my email ID. Okay, so let's start. First of all, we have to classify, we have to see the approach, how the theories of intelligence have been classified. तो जब हम बुद्धि के सिद्धांत का वर्गीकरण देखना शुरू करते हैं, या जब हम शुरू करते हैं देखना कि बुद्धि का सिद्धांत क्या है, किस प्रकार से दिया गया है, कौन कौन सी थ्योरीज हैं, तो हमको तीन अप्रोचेस मेन मिलती हैं, तीन उपागम मिलते हैं हमको, जिनके तहत हम बुद्धि के सिद्धांत का वर्गीकरण कर सकते हैं। तो जिसमें से फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट है साइकोमेट्रिक अप्रोच, देन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच नवीनतम है, मतलब कि बाद में आई है, लेटर थ्योरीज जो है वो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच के तहत है, और कॉग्निटिव अप्रोच भी कहीं कहीं मिल जाता है आपको, पर आप मेनली अगर आप अप्रोच ढूंढेंगे तो आपको यही दोनों मिलेगा, साइकोमेट्रिक अप्रोच एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच। तो साइकोमेट्रिक अप्रोच क्या है? मोटा मोटा एक अंतर ये भी है कि ये अप्रोच के तहत जितनी थ्योरीज है वो पुरानी है, ये नई थ्योरीज है। क्यों? क्योंकि यहां पर जब हम बात कर रहे हैं इंटेलिजेंस की, तो हम इंटेलिजेंस को उतनी अच्छी तरीके से नहीं जान रहे, शुरुआती दौर है, थोड़ा बहुत जान रहे हैं, फिर उसमें कुछ कमी आती है, फिर नई थ्योरी आती है, फिर उसमें कुछ कमियां आती है, एरर होती है, कुछ क्रिटिसिज्म मिलता है उसको, फिर नई थ्योरी आती है। और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच नए आयामों को लेकर है इंटेलिजेंस की, सॉरी। तो साइकोमेट्रिक अप्रोच में है क्या? इट कंसीडर्स इंटेलिजेंस एज एन एग्रीगेट ऑफ एबिलिटीज, यानी कि शुरुआत में जब बुद्धि पर बात हो रही है तो बुद्धि को क्या समझा जा रहा है कि वो योग्यताओं का समूह है। ओके, देन इट एक्सप्रेसेस द इंडिविजुअल्स परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ ए सिंगल इंडेक्स ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज। देखिए, शुरुआत में जब हम इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं तो इंटेलिजेंस को सिर्फ और सिर्फ कॉग्निशन के टर्म में देखा जा रहा है, उसको इमोशनल इंटेलिजेंस और ये सारी बातें वहां पे नहीं हो रही है, सिर्फ कॉग्निटिव एबिलिटीज के टर्म्स में देखा जा रहा है। देन इट फोकसेस ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस, यानी कि शुरुआती दौर में जब बुद्धि का सिद्धांत पे बात की गई तो ये देखा गया कि बुद्धि की संरचना कैसे है, कैसी होती है बुद्धि, उसके कौन से आयाम होते हैं, कितने कॉम्पोनेंट्स होते हैं, क्या क्या है, इस हिसाब से सिद्धांत हमको मिलते हैं। देन जब हम इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच के तहत आते हैं तो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अपने आप में क्या मतलब है कि हम इंफॉर्मेशन को कैसे प्रोसेस करते हैं, तो हमारे शरीर में इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कौन करेगा? ब्रेन करेगा। तो ये क्या कह रहा है? इट डिस्क्राइब्स द प्रोसेसेस पीपल यूज इन इंटेलेक्चुअल रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कि इस अप्रोच, इस उपागम में जो हम बुद्धि के सिद्धांत पढ़ेंगे उसमें हम ये जानेंगे कि लोग किस प्रकार से बौद्धिक तार्किक क्षमता और जो लोगों के प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो प्रोसेस है वो क्या है, कैसे होती है, प्रोसेस की बात की जा रही है। और साइकोमेट्रिक अप्रोच में क्या बात की जा रही है कि इंटेलिजेंस क्या है, इंटेलिजेंस का स्ट्रक्चर क्या है। देन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच में क्या है? इट्स मेजर फोकस ऑफ दिस अप्रोच इज ऑन हाउ एन इंटेलिजेंट पर्सन एक्ट्स, इसका सरोकार इससे है कि एक बुद्धिमान व्यक्ति किस प्रकार से कार्य करता है, वो किस प्रकार से प्रोसेस करता है इंफॉर्मेशन को, क्या वो रीजनिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग में करता है। जबकि साइकोमेट्रिक अप्रोच में क्या कह रहे हैं कि इंटेलिजेंस क्या है, इंटेलिजेंस क्या है उनके हिसाब से एक एग्रीगेशन है किसका, एबिलिटीज का। सॉरी खांसी आ रही। देन इट इम्फेसाइज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग में क्या है, इट इम्फेसाइज ऑन स्टडिंग कॉग्निटिव फंक्शंस अंडरलाइंग इंटेलिजेंट बिहेवियर, यानी कि किसी व्यक्ति के बुद्धिमत्तापूर्ण व्यवहार के नीचे, मतलब उसके बेसिस में जो कॉग्निटिव फंक्शंस हमारे काम कर रहे हैं उस पर बल देती है कौन सी, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच। देन कॉग्निटिव अप्रोच में हमको
किस बात पर बल दिया गया है? इट एम्फसाइजेस द फंक्शनल सिग्निफिकेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, यानी कि जो बुद्धि है उसका विकास कैसे है और उसका जो हमको महत्वपूर्ण जो महत्ता मिलती है हमको कार्यात्मक महत्ता, उस पर बल दिया जाता है किसमें? कॉग्निटिव अप्रोच में. ओके, अब ये जानते हैं कि इन अप्रोचेस में कौन कौन सी थ्योरीज आती हैं. सॉरी, साइकोमेट्रिक अप्रोच में मेनली, और भी आगे पीछे हो सकती है पर मेनली अगर आप इसको सर्च करेंगे तो हमको यही मिलती है. कौन सी? अल्फ्रेड बिने की यूनिफैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि पहली हमको संरचनात्मक जो थ्योरी मिलती है इंटेलिजेंस की वो यही है. फिर स्पीयरमैन्स, चार्ल्स स्पीयरमैन्स की टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, आज हम यही दो फैक्टर यही दो थ्योरी डिस्कस करेंगे. देन थर्स्टन्स थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज, जिसको पीएमएस भी कहते हैं. जेनसेंस हायरार्किकल मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस, गिलफर्ड स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल, इतना हमको मिलता है. कैटल भी आ जाता है इसी में, कैटल्स थ्योरी. तो ये सब साइकोमेट्रिक अप्रोच, यानी कि वो सारी थ्योरीज जो हमको ये बता रही है कि इंटेलिजेंस का स्ट्रक्चर क्या है, वो आएंगी साइकोमेट्रिक अप्रोच में. देन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच में आएगी कि एक इंडिविजुअल, एक इंटेलिजेंट इंडिविजुअल किस तरीके से एक्ट करता है, वो प्रोसेस जो इंटेलिजेंट की प्रोसेस, इंटेलिजेंस की प्रोसेस जो हमारे दिमाग में चल रही है, जो हमारे एक्ट में चल रही है, जो हम प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल में चल रही है, वो सब कुछ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच में आएगा. तो इसमें यही तीन मेन थ्योरी आती है, हॉवर्ड गार्डनर्स की थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग्स की थ्योरी ऑफ ट्राइआर्किक इंटेलिजेंस एंड पास मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस. ओके, कॉग्निटिव में ज्यां पियाजे का थ्योरी आती है, तो चूंकि हम लोग उस पर पहले बात कर चुके हैं इसलिए इसका जिक्र मैंने यहाँ पे नहीं किया. एंड वो लेस फेमस है, ज्यादा नहीं पूछी जाती है, ज्यादा मिलती नहीं है आपको किताबों में, आप सर्च करेंगे पूछा जाता है जिस पर, वो मेनली साइकोमेट्रिक और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग है. ओके, तो यूनिफैक्टर या मोनार्किक थ्योरी से शुरू करते हैं. अल्फ्रेड बिने का नाम, जब जब हम इंटेलिजेंस की बात करेंगे अल्फ्रेड बिने जी का नाम आएगा, बहुत उनका सरोकार रहा, बहुत उनका योगदान रहा. और सबसे इंपॉर्टेंट बात आप इनके बारे में पढ़ेंगे, अगर आप इनकी बायोग्राफी पढ़ें तो आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि इन्होंने साइकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट कभी नहीं पढ़ा था, सोचिए. और ये ऐसा ऐसा काम कर गए जिसको आज तक साइकोलॉजिस्ट जिस पर काम कर रहे हैं, तो इस तरीके के लोग थे ये लोग. ये है कि अल्फ्रेड बिनेस थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस एरोज फ्रॉम हिज इंटरेस्ट इन डिफरेंशिएटिंग मोर इंटेलिजेंट फ्रॉम लेस इंटेलिजेंट इंडिविजुअल्स. पहली बात, जब हम पढ़ेंगे असेसमेंट ऑफ असेसमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, तो उसमें हमको यही मिलता है, हम कई बार दोहरा चुके हैं. फिर जब प्रॉपर उस पर वीडियो बनेगा, प्रॉपर उस पर बात होगी, तो आपको पता चलेगा कि अल्फ्रेड बिने साहब ने पहला इंटेलिजेंस टेस्ट बनाया है. तो क्यों बनाया इन्होंने? फ्रांस के हैं ये, फ्रेंच हैं, तो फ्रेंच मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन इनसे कहा कि ऐसा आप कुछ हमको टेस्टिंग बना कर दीजिए जिससे हम ज्यादा बुद्धिमान बच्चे और कम बुद्धिमान बच्चों के बीच में विभेद कर सकें, या हम उनको पता कर सकें कि किसको कहाँ एडमिशन देना है, कैसे सेग्रीगेशन करना है ऑन द बेसिस ऑफ इंटेलिजेंस. जो लेस इंटेलिजेंट है उसको हम अलग पढ़ाएंगे, सेग्रीगेट करेंगे, इस तरीके की बातें जब की गई, तो इन्होंने जो अपना टेस्ट बनाया तो उसी टेस्ट के आधार पर इन्होंने थ्योरी बनाई. तो इनकी थ्योरी आई कहाँ से? उसी रुचि से आई है जहाँ पे ये अलग कर रहे हैं. किसको अलग कर रहे हैं? जो अधिक बुद्धिमान है उसको कम बुद्धिमान वाले व्यक्ति से अलग कर रहे हैं. देन क्या इन्होंने कंसेप्चुलाइज किया? इन्होंने कहा कि इंटेलिजेंस क्या है? कंसिस्टिंग ऑफ वन सिमिलर सेट ऑफ एबिलिटीज. ये कह रहे हैं कि कुछ ऐसा योग्यता है इंटेलिजेंस, बुद्धि, जो सिमिलर सेट मतलब एक समान है, विच कैन बी यूज्ड फॉर सॉल्विंग एनी और एवरी प्रॉब्लम इन एन इंडिविजुअल्स एनवायरमेंट, हेंस कॉल्ड यूनिफैक्टर. इसीलिए इसको यूनिफैक्टर कहा ही जा रहा है, क्योंकि एक तरीके का, हम कह रहे हैं ना कि कॉमन सेंस भी कहीं कहीं नीचे वाली लाइन में लिखा है कि इन्होंने जो इंटेलिजेंस को समझा उसको कॉमन सेंस भी कहा. मतलब ये कह रहे हैं कि जो इंडिविजुअल होता है, जो इंटेलिजेंट होता है, उसके पास कुछ सिमिलर सेट ऑफ एबिलिटीज होती हैं जिनका वो इस्तेमाल हर प्रॉब्लम में करता है. अपने वातावरण में आने वाली जितनी समस्याएं आएंगी उसमें सब में वो उसका यूसेज करेगा. और आप इसको बेहतर समझ सकते हैं कि इट रिड्यूसेस ऑल एबिलिटीज टू अ सिंगल कैपेसिटी ऑफ जनरल इंटेलिजेंस और कॉमन सेंस. दिस वुड इंप्लाई दैट दे आर ऑल परफेक्टली कोरिलेटेड. यानी कि एक क्षमता है जिसको कि आप जनरल इंटेलिजेंस कह सकते हैं, जिसको आप कॉमन सेंस कह सकते हैं, लेकिन, और उन्होंने कहा कि वही आदमी यूज करता है जब भी उस पर कोई मुसीबत आती है, जब भी वो किसी परेशानी में आता है. तो क्यों ये क्रिटिसाइज हो गई, क्यों ये गलत सिद्ध हो गई? इसलिए कि तब तो क्या होना चाहिए था,
कि अगर हमारे पास एक सिमिलर सेट ऑफ एबिलिटीज होती है और उसको हम हर प्रॉब्लम में यूज करते, तो अगर हम एक प्रॉब्लम से उबर आते तो हम हर प्रॉब्लम से उबर आते, कहने का ये मतलब है। या दूसरे शब्दों में आप ऐसे समझ सकते हैं कि हम अगर एक विषय में अच्छा कर रहे हैं, तो अगर हम बहुत अच्छे कुक हैं तो हम बहुत अच्छे ड्राइवर भी होते, तो हम बहुत अच्छे, हमारे पास मैकेनिकल इंटेलिजेंस भी होती तो हमारे पास न्यूमेरिकल इंटेलिजेंस भी होती है, हमारे पास स्पेशियल इंटेलिजेंस भी होती है, हमारे पास रिदमिक, जितने तरीके की आप सोच सकते हैं, है ना। क्योंकि हमारे पास तो वो क्या है ना, कॉमन सेंस है और वो हर जगह इस्तेमाल होता है। तो लोगों ने देखा कि ऐसा तो नहीं है, इट गोज अगेंस्ट द कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट एन इंडिविजुअल डस पजेस डिफरेंट लेवल्स ऑफ डिफरेंट एबिलिटीज एंड डज नॉट शाइन इक्वली इन ऑल डायरेक्शंस। मतलब कि हम हर दिशा में थोड़ी बेहतर करते हैं, किसी एक दिशा में कोई किसी का एक पक्ष अच्छा होता है, किसी का दूसरा पक्ष अच्छा होता है, कोई बढ़िया ऑरेटर होता है, कोई बढ़िया आर्टिस्ट होता है, कोई बढ़िया डांसर होता है, कोई बढ़िया लिटरेचर लिखने वाला होता है, कोई राइटर बढ़िया होता है, कोई सिंगर बढ़िया होता है ना। तो इसलिए ये इसके अगेंस्ट चली गई। इवन जब बिनय जी का आईक्यू टेस्ट का जब रिजल्ट वगैरह आ रहा था, उसका जब लोग एनालिसिस कर रहे थे, कौन हम आप नहीं साइकोलॉजिस्ट, तो भी उन्होंने पाया कि सिंगल सेट ऑफ एबिलिटीज तो नहीं है। इसलिए अल्फ्रेड बिनय साहब, जिन्होंने हमको पहला आईक्यू टेस्ट दिया, उनकी यूनिफैक्टर थ्योरी फेल हो जाती है। और फिर आती है क्या, स्पीयरमैन की टू फैक्टर थ्योरी। चार्ल्स स्पीयरमैन ने देखिए लिया वहीं से गया। आप हमेशा देखेंगे किसी भी विषय के किसी भी सिद्धांत में देखेंगे, जब पहला सिद्धांत फेल होता है तो उसके क्रिटिसिज्म जो होते हैं, जो उसके क्रिटिक होते हैं, वही दूसरा लेके आते हैं और उसी पॉइंट पे लेके आते हैं जहां पे वो फेल हो रहा होता है। फिर वो फेल होता है, फिर हमको तीसरा मिलता है, फिर चौथा मिलता है। इस तरह से उत्तर उत्तर प्रोग्रेसिव हमको थियरीज मिलती जाती है। तो चार्ल्स स्पीयरमैन भी देखिए जनरल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, जो कि अल्फ्रेड बिनय कह रहे थे। अल्फ्रेड बिनय कह रहे थे कि हमारे पास एक जनरल इंटेलिजेंस है जिसको हम सब चीजों में यूज कर रहे हैं। तो इन्होंने भी शुरुआत वहीं से है, लेकिन ये दूसरा भी एक फैक्टर लेकर आते हैं जिसकी बात अल्फ्रेड बिनय नहीं कर रहे थे। क्या कह रहे हैं ये कह रहे हैं कि चार्ल्स स्पीयरमैन डिस्क्राइब द कांसेप्ट ही रिफर्स टू एज जनरल इंटेलिजेंस और द जी फैक्टर। इजी है, इट्स ओके। देन अकॉर्डिंग टू हिम, पीपल हु परफॉर्मड वेल ऑन कॉग्निटिव टेस्ट टेंडेड टू परफॉर्म वेल ऑन अदर टेस्ट। यहां तक भी ये ऑलमोस्ट सिमिलर हैं बिनय के। फिर ये कह रहे हैं, ही कंक्लूडेड दैट इंटेलिजेंस इज ए जनरल कॉग्निटिव एबिलिटी दैट कैन बी मेजर्ड एंड न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड। ठीक है, ये कह रहे हैं कि एक हमारी सामान्य संज्ञानात्मक योग्यता है इंटेलिजेंस या हमारी बुद्धि, और उसको नापा जा सकता है और न्यूमेरिकली एक्सप्रेस किया जाता है। ठीक है, फिर देयर इज अ सिंगल जी फैक्टर व्हिच रिप्रेजेंट्स एन इंडिविजुअल्स जनरल इंटेलिजेंस अक्रॉस मल्टीपल एबिलिटीज एंड दैट अ सेकेंड फैक्टर एस refers to an individual's specific ability in one particular area। ये जो additional बात ये कह रहे हैं वो अल्फ्रेड बिनय नहीं कह रहे थे। मतलब ये तो मानते हैं, यहाँ तक तो ये अल्फ्रेड बिनय का साथ दे रहे हैं कि हाँ, हमारे पास व्यक्तियों के पास, इंडिविजुअल्स के पास एक सिंगल जी फैक्टर होता है जिसको कि हम जनरल इंटेलिजेंस कह सकते हैं, और वो हमारे बहुत सारे कामों में, बहुत सारे हमारे टास्क में यूज होता है। लेकिन व्यक्ति एक एस फैक्टर भी रखता है, जो कि हम जिसको कि हम कहते हैं स्पेसिफिक फैक्टर, और वो हमारी स्पेसिफिक एबिलिटी में यूज होता है। यानी कि अगर हम बढ़िया कुक हैं तो वहां पे दूसरा एस लग रहा है, अगर हम बढ़िया ड्राइविंग कर लेते हैं तो वहां पे एस दूसरा है, अगर न्यूमेरिकल एबिलिटी हमारे पास है तो हमारे पास एस तीसरा है। मतलब S1, S2, S3, S4 ऐसे बहुत सारे एस हम रखते हैं, लेकिन इन सारे एस में एक फैक्टर कॉमन है और वो क्या होता है, जी। ये देखिए, इससे आप समझ सकते हैं ये इंडिविजुअल बहुत सारे टास्क कर रहा है, न्यूमेरिकल है S1, वर्बल है S2, स्पेशियल है S3, मैकेनिकल है S4, ऐसे इन्यूमेरस हो सकते हैं, लेकिन इन सब में जो कॉमन है वो क्या है, जी। ओके, फिर ये कह रहे हैं कि जो जी होता है उसके संग हम उत्पैदा होते हैं, मतलब वो हमको बाई नेचर गॉड गिफ्ट है, हम इनेट एबिलिटी है। लेकिन जो एस है वो क्या है, एनवायरनमेंट से हम सीखते हैं। कह रहे हैं कि एवरी इंडिविजुअल इज बॉर्न विद अ डिफरेंट लेवल ऑफ जी फैक्टर, ग्रेटर द जी फैक्टर ग्रेटर द चांसेस टू सक्सीड इन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। ठीक है, देन एस फैक्टर इज नॉट इनबॉर्न, यानी कि एस हमको पैदा होने के साथ नहीं मिला है, हमको माता पिता से नहीं मिला है, हमको हमारे जीन से नहीं मिला है, इसको हम सीखते हैं। पीपल एक्वायर दिस, होना चाहिए था दिस फैक्टर थ्रू एक्सपीरियंसेस एंड फ्रॉम एनवायरनमेंट। ओके, देन यहाँ पे जी स्मॉल होना चाहिए था, सॉरी, जी फैक्टर इज शेयर्ड विद एवरी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी बट एस फैक्टर इज स्पेसिफिक टू ए पर्टिकुलर एक्टिविटी। आपने इस डायग्राम से समझ लिया है। तो हम इंटेलिजेंस को अगर हम ये बोल रहे हैं ना कि न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं। अच्छा हाँ, ये जो इन्होंने सॉरी थ्योरी दी है अपनी, उसमें इन्होंने फैक्टर एनालिसिस लगाई और बहुत सारा स्टैटिस्टिक्स और कैलकुलेशन कंप्यूटेशन लगाने के बाद ये इस नतीजे पे पहुंची कि जी जो है वो कॉमन है और एस जो है स्पेसिफिक है। सॉरी,
तो इंटेलिजेंस क्या हमारा फॉर्मूला निकल गया है कि अगर हम इंटेलिजेंस को आई से डिनोट कर रहे हैं तो आई क्या है, आई इज इक्वल टू जी प्लस एस वन प्लस एस टू प्लस एस थ्री प्लस एस फोर। यानी कि हमारा जी तो एक ही है जो कि कॉमन सेंस है जो सब में इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन एस वन किसी एक पर्टिकुलर एबिलिटी में हमारे पास एस वन यूज हो रहा है, कोई दूसरी एबिलिटी या टास्क है हम तो एस टू यूज करते हैं, फिर एस थ्री यूज करते हैं, एस फोर यूज करते हैं, इस तरह से। तो देखिए चार्ल्स स्पीयरमैन ये चीज नहीं समझ पाए थे, लेकिन ये खुद ही हमको क्या बता दे रहे। देखिए दो फैक्टर तो है ही नहीं, कितने फैक्टर हैं, एस वन एक अलग फैक्टर है, एस टू एक अलग फैक्टर है, एस थ्री एक अलग फैक्टर और एस फोर एक अलग फैक्टर है, तो ये सारे ही फैक्टर अलग हो जाते हैं ना। तो जी प्लस एस वन प्लस एस टू प्लस एस थ्री प्लस एस फोर इस तरीके से इन्यूमेरस हो जाते हैं, पर स्पीयरमैन उस वक्त ये बात नहीं समझे और ये टू फैक्टर थ्योरी की बात करते हैं। तो चार्ल्स स्पीयरमैन की थ्योरी भी बहुत पॉपुलर है, बहुत पूछी जाती है और इंटरेस्टिंग भी है कि एवरीबडी इज बॉर्न विद जी एंड एक्वायर्ड एस फ्रॉम हिज और हर एनवायरमेंट। ओके, और डाइट भी मैंने इसी में इंक्लूड कर लिया। शुरू में मैं दो थ्योरी लेके चलना सोच रही थी। तो थॉर्नडाइक क्या है कह रहे हैं, इनका क्या है मल्टी फैक्टर थ्योरी। देखिए क्यों क्यों, क्योंकि ये स्पीयरमैन की टू फैक्टर थ्योरी को क्रिटिसाइज किया, ये बहुत बड़े क्रिटिक थे किसके, स्पीयरमैन के। थॉर्नडाइक कौन, इनको फाउंडर ऑफ मॉडर्न एजुकेशनल साइकोलॉजी कहा जाता है। इन्होंने एक टेस्ट बनाया CABD। सी क्या है कंप्लीशन, ए है एरिथमेटिक, बी है वोकैब एंड vocab and understanding of directions and D है disclosure। तो ये इन्होंने टेस्ट बनाया और ये कहा क्या कि as a basis of the theory that intelligence is a composite of many different abilities interconnecting in the brain। ये कह रहे हैं कि नहीं G और S factor नहीं है, बल्कि intelligence क्या है एक composite रूप है किसका, बहुत सारी abilities interconnecting in the brain, यानी कि हमारे मस्तिष्क में बहुत सारी विभिन्न योग्यताएं हैं जिनका आपस में interconnection है और उसका एक गुणित समूह बुद्धि है। इन्होंने कहा कि he has opposed that intelligence is a universal factor and proposed a model consisting of three mutually independent components। ये कह रहे हैं कि कोई यूनिवर्सल फैक्टर जैसी चीज इंटेलिजेंस में नहीं है, जबकि तीन म्यूचुअली इंडिपेंडेंट कॉम्पोनेंट्स है हमारे पास, मतलब वो एक दूसरे से परस्पर आत्मनिर्भर है, कोई किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। तो ये क्या क्या इन्होंने बताया, सोशल, कॉन्क्रीट एंड ऑब्स्ट्रैक्ट। इसीलिए हम लोग जब थॉर्नडाइक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस पढ़ते हैं तो यही तीन थ्योरी हमको मिलती है पढ़ने के लिए, सोशल, इसके सब पार्ट्स मिलते हैं, सोशल इंटेलिजेंस, कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस एंड एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। फिर एक खास बात ध्यान देने की, अक्सर हम लोग जब थ्योरी पढ़ते हैं तो हम इसको सोशल मैकेनिकल और एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस के टर्म्स में पढ़ लेते हैं, जबकि ये इन्होंने ये नहीं कहा था कि ये क्या कहा था इन्होंने, येट दिस इज क्लासिफिकेशन ऑफ द टाइप ऑफ टास्क। ये कह रहे हैं ये टास्क के टाइप है, ये इंटेलिजेंस के टाइप नहीं है। ये चीज हम लोग को ध्यान देनी चाहिए, जिसको अक्सर हम लोग मिस कर देते हैं, एक मिसकंसेप्शन सा है कि हम लोग हमेशा से यही पढ़ते आए कि थॉर्नडाइक की थ्योरी क्या है, सोशल इंटेलिजेंस, मैकेनिकल इंटेलिजेंस एंड कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस। बल्कि वो कह रहे हैं नो, दिस इज ए क्लासिफिकेशन ऑफ द टाइप ऑफ टास्क जो कि व्यक्ति कर रहा है, नॉट एन एनालिसिस ऑफ मेंटल ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ। ये हमारा मेंटल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बल्कि हमको इस तरीके के टास्क मिलते हैं जिसको हम इस तरीके की इंटेलिजेंस से इस तरीके के टास्क में ये हमारी एबिलिटी यूज होती है, नॉट इंटेलिजेंस। देन सोशल में क्या है कि टू एक्ट वाइजली इन ह्यूमन रिलेशंस, अगर हमारे जो हमारे अंतर संबंध है मनुष्य के उसमें बुद्धिमत्ता पूर्ण कार्य करना, तो ये सोशल टास्क हो गया। फिर कॉन्क्रीट में क्या है, अंडरस्टैंडिंग अबाउट हाउ द फिजिकल वर्ल्ड वर्क्स। इसको कॉन्क्रीट को कहीं कहीं आपको मैकेनिकल भी मिलेगा, आप ढूंढेंगे तो कभी कभी आपको सोशल मैकेनिकल और एब्स्ट्रैक्ट भी मिलता है। फिर एब्स्ट्रैक्ट में क्या है, कैप्चरिंग व्हाट टेस्ट्स ऑफ इंटेलिजेंस मेजर्स, मतलब कि इंटेलिजेंस टेस्ट जो मेजर करता है वो हमारी एब्स्ट्रैक्ट टास्क में यूज हो जाती है। फिर अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक ये क्या कह रहे हैं, द कॉमन एलिमेंट दैट डज नॉट एग्जिस्ट इन द इंडिविजुअल बट इन द नेचर ऑफ टास्क देमसेल्व्स। ये कितनी खास और स्पेशल बात है, ये कह रहे हैं वो क्या कह रहे थे स्पीयरमैन की जी है, कॉमन सेंस है, कॉमन फैक्टर है, यूनिवर्सल फैक्टर है। ये कह रहे हैं कि कॉमन एलिमेंट इंडिविजुअल में नहीं है बल्कि टास्क में, नेचर ऑफ द टास्क में। ये जो कॉमन कॉमन जो पार्ट है, जो दोनों में कॉमन है, वो एलिमेंट इंडिविजुअल में नहीं है बल्कि नेचर ऑफ टास्क, हमको किस प्रकार के टास्क मिलते हैं उसमें कॉमनैलिटी है। सॉरी, देन माइंड इज ए होस्ट ऑफ हाईली पर्टिकुलराइज्ड एंड इंडिपेंडेंट फैकल्टीज, यानी कि माइंड क्या है, बहुत तरीके की विशिष्ट और इंडिपेंडेंट फैकल्टीज को होस्ट करता है। ओह माय गॉड, ठीक है, यूनिफैक्टर हो गई थ्योरी,
यानी बिने की, जो कि सिर्फ और सिर्फ जी की बात कर रहे हैं। फिर स्पीयरमैन आते हैं, वो जी और एस दोनों की बात करते हैं। और फिर थॉर्नडाइक आते हैं जो कि कहते हैं मल्टी फैक्टर, एक तरीके से जो मल्टीपल इंटेलिजेंसेस का कंसेप्ट आप कह सकते हैं कि थॉर्नडाइक से आया, लेकिन इसको मल्टीपल नहीं बल्कि मल्टी फैक्टर थ्योरी का नाम मिला है। और ये चार एट्रीब्यूट बताते हैं इंटेलिजेंस के, कौन कौन से, लेवल, रेंज, एरिया और स्पीड। लेवल क्या है कि हमको किस डिफिकल्टी लेवल का टास्क मिला है हल करने के लिए। रेंज क्या है, नंबर ऑफ टास्क एट एनी गिवन डिग्री ऑफ डिफिकल्टी, यानी कि कितना परास है उसका। एरिया क्या है, मींस द टोटल नंबर ऑफ साइटेशंस एट ईच लेवल टू व्हिच एन इंडिविजुअल इज एबल टू रिस्पॉन्ड, कितना हम कवर कर पा रहे हैं एरिया। और स्पीड क्या है कि कितनी तीव्रता से हम रिस्पॉन्ड करते हैं आइटम्स को। तो उनके हिसाब से, थॉर्नडाइक के हिसाब से, इंटेलिजेंस के ये चार गुण हैं। ये बात ना बिने ने कही ना स्पीयरमैन साहब ने कही, ये सिर्फ और सिर्फ थॉर्नडाइक कह रहे हैं, लेवल, रेंज, एरिया और स्पीड। थॉर्नडाइक का इतना काम है साइकोलॉजी में, एजुकेशनल साइकोलॉजी में, कि इनको फाउंडर ऑफ एजुकेशनल, मॉडर्न एजुकेशनल साइकोलॉजी भी कहा जाता है। तो थियरीज चूंकि बहुत सारी हैं इंटेलिजेंस की, इसलिए मैंने तीन थियरीज इसमें कवर की हैं। अगले वीडियो में देखते हैं कितनी कवर करते हैं। ओके, तो शुरुआत में आपको ये थेरीज आप सारी पढ़िए, बिकॉज खासतौर से जो सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन होते हैं कभी कभी वो नाम नहीं देते हैं कि थेरीज का क्या क्या पढ़ना है, वो बस बोल देते हैं इंटेलिजेंस थेरीज, थेरीज ऑफ इंटेलिजेंस, तो उसमें से कुछ भी पूछ लिया जाएगा। तो हमें शुरू से लेकर आखिरी तक ऑलमोस्ट सभी इंपॉर्टेंट थेरीज हमको पता होनी चाहिए। तो आज मैंने तीन कवर की है, आगे और कवर करूंगी। सो थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, टू फाइंड दिस चैनल इन टेलीग्राम, स्कैन टू ज्वाइन दिस, या आप टाइप कर सकते हैं explore_education। ओके, और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको वहाँ क्विजेज मिल जाएंगी, लर्निंग मटेरियल्स मिल जाएंगे, आप कुछ पूछ सकते हैं जिसका मैं जवाब दे सकती हूँ, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ मैं बोल रही हूँ, आप चुप हैं, और आप अपना फीडबैक भी दे सकते हैं जो कि मेरे लिए बहुत जरूरी है। ओके, सो डन फ्रॉम माई साइड एंड आई होप इट विल बी क्लियर एनफ टू यू। ओके, डन।